जन्नत का बागीचा, क्या आपको पता है इस दुनिया में भी जन्नत का बागीचा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब हम जन्नत के बागीचे में जाएं तो उस बागीचे में अपना वक्त गुजारें, वहाँ रुक जाएं, वहाँ उस बागीचे की खूबसूरती को सुने, उस खूबसूरती को महसूस करें। सहाबी फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, वो बागीचा कहाँ है और वो कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो बागीचा जो जन्नत का बागीचा इस दुनिया में है वो दिखर है, वो अल्लाह का ज़िक्र है। जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और बहुत सारे लोग जमा होते हैं और अल्लाह की बातें सुनना चाहते हैं, सुन रहे होते हैं, और वो अल्लाह का इल्म लेते हैं अपने अंदर, तो वो जन्नत का बागीचा है। और जैसे मैं अभी आपको अल्लाह की बातें करती हूँ और बहुत सारे रील्स में मैं अपने अल्लाह की बातें करती हूँ, तो आप सुनते हैं और आप बहुत सारे लोग शेयर करते हैं या मेरी बातें दूसरों को सुनाते हैं, तो वो भी जन्नत का बागीचा है और उस बागीचे में आप हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अल्लाह का ज़िक्र कर रही हूँ, तो आप सुन रहे हो, तो मतलब आप जन्नत के बागीचे में हो। सुभान अल्लाह। आप सोचें, जब हम सोचते कि हम जन्नत में जाएंगे, कैसा होगा जन्नत, तो आप जन्नत के बागीचे को इस दुनिया में भी देख रहे हैं और सुन रहे हो। सुभान अल्लाह। प्लीज़ सेव एंड शेयर दिस वीडियो। सदका-ए-जारिया। फॉलो फिज़ा लिमाज़।